नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल दीपेश गौर में। दोस्तों, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि खाद्य विभाग में जो राशन डीलर की भर्ती निकली, उसका हम ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन उसमें होने चाहिए कि हम उसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो को एक एक स्टेप में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको पोर्टल ओपन कर लेते हैं। पोर्टल का नाम है एम राशन। एम राशन मित्र लिखकर आप जैसे पहली पोर्टल आपको देखने को मिल जाएगा, मध्य प्रदेश स्टेट फूड सिक्योरिटी पोर्टल एम राशन मित्र पोर्टल, इस पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको कंप्लीट कर देना, एंड यहाँ पर आपको जो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं नवीन उचित मूल्य दुकान हेतु नियम, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अगर आप नियम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप नियम पढ़ सकते हैं, ठीक है। नियम पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उचित मूल्य दुकान पंजीकरण हेतु आवेदन करें। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पर आपको सामने जो पूरा पेज ओपन हो जाएगा, इसमें आपको कोई आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। कोई भी आवेदन शुल्क इसमें नहीं दिया गया, एकदम निःशुल्क आवेदन है। तो चलिए बताते हैं इसमें आप आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहला तो संस्था की जानकारी। अब आप बोलोगे कि संस्था की जानकारी हम किस प्रकार डाल सकते हैं, तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि स्व सहायता समूह का आपने नाम सुना है, सहकारी समितियों का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। आपके गांव में बहुत सारे स्व सहायता समूह चलते होंगे, जो खरीदी करती है वो समिति चलती होगी, तो उन समिति में आपको सदस्य होना जरूरी है। इस प्रकार से आप संस्था की जानकारी में आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश सेवा सहकारी उपभोक्ता सोसाइटी, विपणन सोसाइटी, उत्पादक सोसाइटी, संसाधन सोसाइटी, महिला स्व सहायता समूह, संयुक्त वन प्रबंधन समिति, प्राथमिक कृषि सहायक समिति, ग्राम पंचायत आपूर्ति स्टोर, इन इन सभी संस्था स्वा समूह या पंचायत में किसी के भी आप कोई सदस्य हैं तो आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम ग्राम पंचायत का सिलेक्ट कर लेते हैं, आप उसके बाद आपकी जो ग्राम पंचायत का नाम है वो आपको डाल देना है। उसके बाद आपको जो पंजीयन क्रमांक है उसे डाल देना, आपको जिला सिलेक्ट कर लेना है। जिला सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने जनपद सिलेक्ट कर लेना है, जनपद, ठीक है, जनपद सिलेक्ट कर लेना है। जनपद सिलेक्ट करने के बाद अपना ग्राम पंचायत जोन आपको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। ग्राम पंचायत जोन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको वार्ड नंबर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आवेदन कार्यालय का पता आपको डाल देना है, तो यहाँ पर हम पता डाल देते हैं, ठीक है। पता के बाद यहाँ पर आप आवेदन संस्था का कार्य क्षेत्र यहाँ पर आपको लिखा हुआ जाएगा, ठीक है। अब हमारी पहली स्टेप पार हो चुकी, संस्था की जानकारी, ठीक है। आप यहाँ पर कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप जिस भी संस्था के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब आपको स्क्रोल डाउन करना है संस्था के अध्यक्ष का नाम। अब समिति, आपने पंचायत में, आपके पंचायत में समिति तो है, पर उस समिति का कोई अध्यक्ष जरूर होगा, उपाध्यक्ष जरूर होगा, ठीक है। तो उस अध्यक्ष का नाम यहाँ पर आपको डाल देना, अध्यक्ष के पिता का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है, अध्यक्ष की जन्म तारीख, निवास का पता, मोबाइल नंबर और आधार नंबर आपको अध्यक्ष का डाल देना है, ठीक है। ये आपकी जानकारी होगी, अध्यक्ष की जानकारी कंप्लीट होगी। अब सदस्यों की जानकारी, जिस दुकान है संस्था है तो आवेदन करें उसे महिला संस्था हो, तो आरक्षित होने की दशा में क्या आप आवेदन संस्था आरक्षित महिला श्रेणी के अंतर्गत दुकान प्राप्त करना चाहती हैं, तो इसे आपको नहीं कर देना, समस्त सदस्य में विक्रेता महिला होना आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पर आप इस पर आप क्लिक भी कर सकते हैं, अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर महिला ही आवेदन कर सकती है, और इस पर आप क्लिक नहीं करेंगे तो यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है, लिंग सिलेक्ट कर लेना है, जाति डाल देना है, आधार नंबर डाल देना है, पद कौन सा पद है, मतलब सदस्य है या अध्यक्ष है या आप उपाध्यक्ष या सचिव या सहायक सचिव, जो भी आप है वो डाल देना है, निवास का पता डाल देना है, और सभी की ऐड करते जाना है। जितने भी सदस्य, जैसे आपकी समिति में 10 सदस्य हैं तो 10ों की जानकारी यहाँ पर आपको ऐड करनी है, ठीक है। ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको चौथी स्टेप आपकी आती है, प्रबंधक की जानकारी, जो समिति का प्रबंधक रहता है उसकी जानकारी आपको डालना है। तो समिति प्रबंधक का नाम यहाँ पर डाल देना है, पिता का नाम डाल देना है, जन्म तारीख डालना है, समिति प्रबंधक के डालना है, ठीक है। उसका पता डाल देना, मोबाइल नंबर एंड आधार नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद आपकी स्टेप आएगी, ठीक है, आपकी नेक्स्ट स्टेप आएगी दुकान गोदाम। आप कहाँ पर दुकान खोलना चाहते हैं, ठीक है। आपका एड्रेस, जैसे कि हमारे हरदा में टिमरनी टिमरनी जनपद पंचायत में पद खाली है, तो कौन से गांव में, तो उस गांव में आपको एड्रेस डाल देना है यहाँ पर।
और यहाँ पर दुकान डाल देना स्वयं स्वयं की है या किराए का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक डिटेल डाल देना है, IFSC कोड, बैंक खाता नंबर लिख देना, संस्था की पूंजी लिख देना, आपको आंशिक पूंजी कितनी है संस्था की, ठीक है। उसके बाद अन्य अगर आप कोई जानकारी देना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, देना ही चाहते हैं। वर्तमान में संस्था द्वारा किए जा रहे व्यवसाय का प्रारूप, मतलब संस्था क्या क्या काम कर रही है, ठीक है। संस्था अध्यक्ष प्रबंधक के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण है तो उसका विवरण आप यहाँ पर दे सकते हैं। जिस ग्राम पंचायत है तो आवेदन कर रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी ग्राम पंचायत, जैसे हम जिला सिलेक्ट कर लेते हैं, जनपद पंचायत जैसे कि हमने आपको बताया था टिमरनी में है, तो यहाँ पर हम टिमरनी कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर हम टिमरनी, जनपद पंचायत टिमरनी, ठीक है। उसके बाद ग्राम पंचायत जोन यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, केवल दो चीज में आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनपद पंचायत टिमरनी के अंतर्गत केवल दो दुकान खोलने हैं, तो श्रेय से जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेव डिटेल्स एंड अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अब इसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। उसके बाद आपका फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा, एंड फॉर्म डालने के बाद आप उसे ट्रैक किस प्रकार से कर सकते हैं वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको ट्रैक करने के लिए होम पेज पर चले जाना है। होम पेज पर जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नवीन दुकान है, तो स्थिति आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया था, आपने जब आपका जो आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पाएंगे उसे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। कैप्चा फिल कर कर आपको जानकारी देख ली, पासवर्ड आप भूल गए तो जरूर से फॉरगेट कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप मध्य प्रदेश में राशन मित्र जो है उसमें आप काम कर सकते हैं दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतने नए वीडियो लेकर आप जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।